नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट की खास पेश का स्पोर्ट्स पोस्ट में। आप सभी के साथ जुड़े हैं टॉस अपडेट के साथ। आपको बता दें कि आज देश की राजधानी दिल्ली में एक बड़ा मुकाबला है। मुकाबला है राजस्थान रॉयल्स, जो इस समय टेबल टॉप पे है, उसका मुकाबला है दिल्ली कैपिटल्स, यानी कि दो विकेट कीपर बल्लेबाजों के बीच एक बड़ी लड़ाई है। संजू सैमसन एंड ऋषभ पंत के बीच लड़ाई है। टॉस यहां पर संजू सैमसन ने जीत लिया और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। चलो, ये तो हो गया टॉस, और अब बात की जाए मुकाबले की। मुकाबला ये बड़ा क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि अगर आज राजस्थान इस मैच को जीत लेता है तो ऑफिशियल रूप से ये पहली टीम बन जाएगी जो इस साल टॉप फोर यानी कि जो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर आज दिल्ली कैपिटल्स इस मैच को जीतती है तो उसके जो कहते हैं ना कि आर्टिफिशियल जो चांसेस है वो बरकरार रहेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दिल्ली कैपिटल्स अभी पूरी तरीके से बाहर हो गई है। तो उस लिहाज से दिल्ली कैपिटल्स चाहेगी कि वो आज इस मैच को जीते, और पहले बल्लेबाजी करते हुए देखना होगा कि दिल्ली कैपिटल्स जिस मैदान पर बहुत सारे रन बनते हुए हमने देखा, क्या दिल्ली कैपिटल्स एक बार फिर से इस मैदान पर बड़ा स्कोर देकर उस रन को डिफेंड कर पाती है, नहीं कर पाती। और ऋषभ पंत और संजू सैमसन में आज सबसे बड़ी पारी कौन खेलेगा, इस पर भी फैंस की नजर रहेगी। हम बात कर रहे हैं संजू सैमसन और ऋषभ पंत की। उसके अलावा दो और खिलाड़ी हैं, यूजी चहल राजस्थान रॉयल्स, कुलदीप यादव दिल्ली कैपिटल्स। ये दोनों भी टीम इंडिया की तरफ से वर्ल्ड कप खेलते हुए दिखाई देंगे, इनके बीच भी मुकाबला देखने को मिलेगा। यानी कि मुकाबला अच्छा है, दोनों टीम में कुछ बदलाव है, बदलाव के साथ उतर रही है दिल्ली कैपिटल्स, एक लंबे ब्रेक के बाद वापस आ रही है। अब देखना होगा क्या इस ब्रेक के बाद दिल्ली कैपिटल्स एक जीत के साथ जो इस आईपीएल की सबसे मजबूत टीम है उसको हरा पाती है अपने घर पे या नहीं, या फिर राजस्थान हरा कर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। मेरे साथ इस बोर्ड बस इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज रूम पोस्ट।